और डोंट ट्राई दिस एट होम। ओए यार, जी सलाम अलैकुम जी। आज हम जो है फाइनली जो है ड्रैग रेस का शोडाउन जो है सिविक वर्सेस ग्रैंडे वो करने जा रहे हैं। डक्की भाई भी पहुंच रहे हैं इस वक्त। हम एसए गार्डन की तरफ हेड कर रहे हैं। रूम रेसिंग सर्किट है, उसके ऊपर हम रेस करेंगे और आज पता लगेगा कि कौन जीतेगा। थोड़ा मैं बस मंजर बताता चलूं कि पहले हमने जो है डक्की भाई के साथ जो है टग ऑफ वॉर की, जिसमें पहली दफ़ा रस्सी टूट गई। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें तारीफें की हमारी। फिर उसके बाद हमने रस्सी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई और उसके बाद गाड़ियों के जो है ना टायर रह गए, बट जो है नतीजा नहीं निकला। तो हमने कहा इसका एक ही नतीजा निकल सकता है, हम ड्रैग रेस करेंगे। तो आज पता लगेगा कौन जीतेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन हूज द विनर। सो गाइस, डक्की भाई हैज अराइव्ड और हम यहाँ टेस्ट करने लगे हैं। बहराम इनको टेस्ट करवाने लगे हैं। अच्छा, मुझे आप डिसएडवांटेज पे करा रहे हो साइड में। क्या आपको लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि सिविक निकल जाएगी। पहले मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं हार गया तो फिर मैं कहूंगा कि मेरी गाड़ी नहीं है, ये तो इसकी गाड़ी है। और मेरे ख्याल से ये हिस्टोरिक मैच है। सारे निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है? यार मुझे तो काफी लोगों ने कहा था कि ये जीतेगी ड्रैग रेस में ग्रैंडे। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि लॉन्ग रन में सिविक जीतेगी। मुझे लग रहा है कि इसका टॉर्क जो है ना थोड़ा सा ज्यादा है, 1 न्यूटन मीटर ज्यादा है, और ये हमारा जो रन है ये काफी छोटा है, 200 मीटर है, क्योंकि ये ट्रैक है। इसके बाद देख लेंगे, ट्रैक रन भी कर रहे हैं तो कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से इससे एंड करते हैं, बेस्ट ऑफ 3 करते हैं। तलहा और इधर जो वासिफ हैं, तो आप समझ लेंगे ये दो रेस मास्टर्स हैं। आज हमने इनकी बात माननी है, ये एंड पे फैसला करेंगे कि सिविक जीत रही है या ग्रैंडी जीत रही है। अच्छा, हेलमेट भी पहनना है? हाँ जी सर, सेफ्टी। तो भाई रेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और हेलमेट, यार हेलमेट थोड़ा नॉइज कर रहा है मुझे। जी साथ रेडी हैं आप? रेडी रेडी रेडी। बहुत आगे निकल गई है वो। ये मेरे ख्याल से जीत गया हूँ मैं। ग्रैंडी जीती है, बड़े तरीके से जीती है। एक पर जीती है, तो एक राउंड जो है वो तो ग्रैंडी जीत गई है। मैं एस पे रखूं या एल पे रखूं? एस पे, एस पे, एस पे, ठीक है। चले, बहुत मजे कर रहा था, ये ट्रायल रन था आप लोगों का, अब आ जाइए, अब प्रॉपर रेस करते हैं। यार ये चीटिंग है यार, मैंने इतना मेहनत की है। ब्रेक पे पहले पैर रखे हैं, फिर डायरेक्ट रेस दें, रेस पे चेक करते हैं कि कौन जीतता है। अच्छा, ये फर्स्ट राउंड है या ये ट्राई राउंड? ये फर्स्ट राउंड है या पहला हो गया है फर्स्ट राउंड? ये फर्स्ट राउंड होगा हमारा। अच्छा यार, ये एक चीटिंग है यार, मैं जीत गया था। 3 2 1 दोबारा आगे निकल गई यार, शिट। ये पहला राउंड तो मैं जीत गया हूँ, अब ये तो लीगल राउंड था। लीगल था। मैंने इस बार वैसे रेस नहीं थी दी हुई, इतना वो नहीं है ना, आई वॉन्ट के ट्रैक थोड़ा और लंबा होता। हाँ ये है, बट वही मैं कह रहा हूँ कि क्लोज्ड हमें जो पूरे इधर मिला है लाहौर में वो यही मिला है, क्लोज सर्किट, तो सेफ्टी कम स्वेट। तो हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, ब्रेक पे पैर रख के रखूं और एक्सेलेरेट दबाते रखूं, या दबा के रखूं या फिर एक्सेलेरेट दबाऊं आपके गो कहने पे? नहीं, एक्सेलेरेटर आपने दबा के रखना है, आपने सिर्फ ब्रेक रिलीज करनी है उसके गो कहने पे। ओके, समझ गया मैं। यार क्या टिप्स आप दी जा रहे हो तलहा, मुझे भी दें यार। अच्छा सीन ये है, उनको भी बता दूं कि जैसे 3 2 1 होगा ना, तो जैसे ही मैं गो कहने लगूंगा आप लोगों ने वहां पे गाड़ी उठा देनी है, जंप स्टार्ट नहीं करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी गो कहने के थोड़ी देर बाद गाड़ी उठा रहे हैं ये, तो लेट्स ट्राई विद द रिएक्शन टाइम, एज सून एज आई एम गोइंग टू से गो यू विल ऑलरेडी लीव द ब्रेक, ताकि आपकी गाड़ी तब तक मोशन में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब जी राउंड 2 है और देखते हैं कौन जीतता है, सिविक वर्सेस ग्रैंडे। 3 2 1 गो।
फेल हो गया उसकी पार्किंग में थी गाड़ी यार ब्रो खत्म टैकी भाई रेस तो खत्म कर ले टैकी भाई रेस खत्म कर ले सीधी मैंने उसमें इतने एक्साइटमेंट में आगे ना मैं वो सोच रहा था डी पे बाद में डालूं रेस खत्म कर ली है चले पर ठीक है एक 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 राउंड जो है वो सिविक जीत गई है आपको लगा दो हफ्तों से हम कर रहे थे दो हफ्तों से रेस कर रहे थे इतनी जल्दी खत्म नहीं करने वाले हम रेस वेरी गुड लॉन्च वेरी गुड लॉन्च थैंक यू सो मच यार बहुत बहुत मेहनत की है मैंने इस रेस के लिए बहुत मैं महीने की मेरी हार्ड वर्क शुक्र है अब काम आई है राउंड टू डिस्क्वालीफाई हो गया है ये राउंड टू दोबारा होगा साथ कैसा लग रहा है आप लेजेंडरी कार को जो है हरवा रहे हैं दोबारा राउंड टू देखते हैं आप इस पे मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ थ्री की नौबत नहीं आने वाली अभी एक राउंड मैं जीत गया हूँ और दूसरे राउंड में मेरे साथ चीटिंग ही गई है मेरा प्लेयर किसी ने आगे न्यूट्रल में डाल दिया अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम चेक कर ले डी हो आर ना हो नहीं ये बाकी ये इतना इतना गलत ना हो जाए शुरू करते हैं इससे पहले कैमरा हमारे हिट अप हो जाए यार ये तो लॉन्च नहीं हुई पता नहीं क्या चक्कर हुआ जीत गया भाई ये तो इंटरेस्टिंग हुई जा रही है रेस ये राउंड मुझे नहीं लग रहा था राउंड थ्री पे पहुंचेगी यार ये फेल्ड ही जीता हूँ या कुछ हुआ है शुरू में मैं पीछे रह गया था इसलिए मैं वो फुल दबाया नहीं उसे काफी देर पीछे रहा हूँ मैं मेरे ख्याल से लास्ट राउंड है इस पे पता लग जाएगा कौन जीतेगा तो आई थिंक ये तीन हफ्ते से हम कर रहे हैं कौन जीतेगा आज हमें पता लग जाएगा कौन जीतेगा फरहान साहब कहाँ चूके आप यार लास्ट राउंड है मैं आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एक दफा मेरे से लॉन्च नहीं हुआ तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ बस अब जी जान से साथ आपने जान लगा देनी है यार सॉरी एक लास्ट फिर वाली बात है मैंने बहुत जल्दी एक्सीलरेट कर दिया आपने पूरा निकली जब तक आपकी गाड़ी हिली है तब तक गो निकल गया वाला यार मेरी बात सुनो उनको ना जरा एक दफा कोई पानी शानी कोई पूछे वो बहुत प्रेशर में आ चुके हैं एंड हो गई है मेरा ना और वॉकी जो था ना वो बंद हो गया था दोबारा जीत सकता हूँ मैं ये बिल्कुल फेयर सही चला था ये कौन जीता है ये मुझे लगता है आप जीते हैं बिल्कुल 19-20 का फर्क है ये कैमरा वाले बताएंगे सुवीर कौन जीता है सिविक विनर है यार नहीं यार ये गलत है यार मैंने बड़ी गंदी स्किट मारी है पीछे इसमें मैंने देखा है जो हल्का सा पहले लॉन्च कर लेता है ना वो जीत जाता है 19-20 का फर्क है गाड़ियों में 19-20 का ही फर्क है वैसे यार क्यों ना लास्ट में दोनों रेस मार्शल्स को एक ट्राई दी जाए क्विकली एक तलहा चलाए और एक वासिफ चलाए ठीक है क्लियर ताकि क्लियर नहीं पता लग जाएगा कि वैल्यू भी तरह अब फरहान साहब जो है वो स्टार्ट करेंगे मैं करता हूं यार ये मेरा काम यही है मेरा काम ये सही है आपको क्या लगता है करोला जीत जाएगी मुझे नहीं लगता मुझे ये लगता है कि जो पहले उठाएगा वो जीतेगा अब फेयर एंड है और आई थिंक ये फाइनल राउंड है फाइनल है इसके बाद हम दोबारा नहीं करेंगे वंस एंड फॉर ऑल जो है सेटल कर लेंगे ये ग्रैंडे विनर है यहाँ से वेक हाँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब जो है मतलब कि इस फील्ड के सबसे एक्सपीरियंस दो बंदों का सबसे तो नहीं एटलीस्ट हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका तो देखते हैं कि अब से वेक या क्या ग्रैंडी कौन सी तो वासिफ आप रेडी हैं रेडी है और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मुझे उम्मीद तो है सिविक जीतेगी उम्मीद पे आप जरा ढीला था मुंह करके कह रहे हैं नहीं इंशाल्लाह ताला सिविक जीतेगी बस सही है सिविक बॉय तो प्रो रेसर आप ग्रैंडे में बिठा दिए मैं तो वैसे ही मतलब
शुगल कर रहा था, आप देखते हैं कि कौन जीते। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? लेट्स सी। सो फाइनल है, चलें जी, रेडी, 3 2 1 गो। जी सिविक इट इज। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बना, क्या बना? सबीर से पूछो। ग्रैंडी विनर। क्या हुआ? ग्रैंडी जीत गई। मेरे ख्याल से सिविक रह गई। तो जी ग्रैंडे जीत गई है, माइक्रो मेरल से सेकंड से कोई जीती होगी यहाँ से, तो मुझे लग रहा था सिविक जीती है, बट कैमरामैन कह रहे हैं कि ग्रैंडे जीत गई है। तो आई थिंक यहाँ इसको रैप करते हैं, आई थिंक। हाँ बस यहाँ पे इसको रैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास पहली दफा वीडियो में फाइनल रिजल्ट निकल आया। मेरे से आप जीत गए हैं वैसे। मेरा हो गया काम, मेरा खाना। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दोबारा करेंगे ना, फिर दोबारा एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अभी मैं आई एम श्योर कि सिर्फ एक इच्ची बिच्ची का फर्क होना। तो अगर आप और इस तरह की एक्साइटिंग ड्रैग रेसेस देखना चाहते हैं और टग ऑफ वॉर देखना चाहते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई एक्साइटिंग वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें। आपने क्यों हेलमेट पहना हुआ है? वैसे देखने के लिए। आराम से।